नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। अब रेलवे में बच्चों के लिए खास बर्थ, वापस किया गया चुराया हुआ केक, मंगल ग्रह के सतह से पहला वीडियो, डेनमार्क ने तोड़ा पवन ऊर्जा का विश्व विक्रम, विकलांगों के लिए अब ई स्कूटर। उत्तर रेलवे ने शिशुओं के लिए बेबी बर्थ की शुरुआत की है, जानते हैं इस खबर को विस्तार से। इस साल मातृ दिन के अवसर पर उत्तर रेलवे के दिल्ली और लखनऊ डिवीजन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शिशुओं के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फोल्डेबल बेबी बर्थ की शुरुआत की है। इन्हें परीक्षण के लिए लखनऊ मेल के दो निचले मुख्य बर्थों पर लगाया गया है। यात्रियों से मिली प्रतिक्रिया और फीडबैक के आधार पर ये सुविधा अन्य ट्रेनों में भी बढ़ाई जाएगी। फिलहाल लखनऊ मेल के AC 3 टियर कोच के दोनों सिरों पर सेकंड क्लास के केबिन में बेबी बर्थ लगे हैं। हालांकि इन विशिष्ट बर्थ को बुक करने के लिए शिशुओं के माता पिता के लिए कोई खास सुविधा अभी नहीं है। बुकिंग प्रणाली उसी तरह होगी जैसा हम वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को निचली बर्थ की पेशकश करने के लिए उपयोग करते हैं। यात्री अगर बच्चे के लिए बर्थ की मांग करते हैं तो रेलवे उन्हें बर्थ की पेशकश करेगी। ये बर्थ उन बच्चों के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करते हैं जो बहुत छोटे हैं और एक नियमित बर्थ पर बिना निगरानी के छोड़े नहीं जा सकते। यात्रा के दौरान बच्चे को गिरने से बचाने के लिए बर्थ में एक स्टॉपर भी लगा है। 1945 में इटली की एक लड़की के घर से चुराया हुआ केक अमेरिकी सैनिकों ने वापस कर दिया। सुनते हैं यह दिलचस्प खबर। अमेरिकी सेना ने इटली की एक महिला को उसके जन्मदिन पर केक दिया है। ऐसा ही एक केक अमेरिकी सैनिकों ने 77 साल पहले उसकी खिड़की से चुराया था। मेरी मियोन, जो हाल ही में 90 वर्ष की हो गई हैं, 13 वर्ष की थी जब सैन पियत्रो के उनके गांव में अमेरिकी सैनिकों और जर्मन सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। उसकी माँ ने उसके जन्मदिन के लिए एक केक बनाया था, लेकिन उसे अमेरिकी सैनिकों ने ले लिया जो संभवतः उस समय भूखे थे। अमेरिकी सेना के जवानों ने जब मियोन को ये केक सौंपा तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। नासा द्वारा जारी मंगल की सतह का पहला वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, आइए देखते हैं। नासा ने अपनी तरह के पहले वीडियो का अनावरण किया है जिसे मास्क परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह को छूते ही कैप्चर किया था। इसके साथ मंगल ग्रह की सतह पर रिकॉर्ड किया गया पहला ऑडियो भी जारी किया गया है। 1 मिनट लंबा यह फुटेज रोवर द्वारा की गई रिकॉर्डिंग का है। पहली बार ऐसा वीडियो कैप्चर किया गया है। एजेंसी ने मंगल की सतह पर रिकॉर्ड की गई पहली ध्वनियों का ऑडियो भी जारी किया है। रोवर पर सवार एक माइक्रोफोन ने इस लाल ग्रह पर हवा के झोंके और परसिवरेंस की आवाज को कैद किया था। एजेंसी ने नई छवियां भी जारी की थी जो रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर ली थी। ये वीडियो फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। डेनमार्क ने पवन ऊर्जा का विश्व विक्रम तोड़ा है। निर्माण की 2.3 टेरावाट हरित बिजली प्रति घंटे। डेनमार्क ने अपनी हरित ऊर्जा उत्पादन के मामले में एक विश्व विक्रम को तोड़कर नए वर्ष की शुरुआत की है। नए आंकड़े बताते हैं कि अकेले हवा के माध्यम से निर्मित हरित बिजली का कुल उत्पादन 2.3 टेरावाट प्रति घंटे रहा। ये उत्पादन पिछले साल से लगभग दुगना है। 2.3 टेरावाट प्रति घंटे के राष्ट्रीय उत्पादन के साथ डेनिश पवन टर्बाइन ने खपत के 68% के बराबर हरित ऊर्जा उत्पन्न की है। पिछला विश्व विक्रम 2020 का है जहां डेनमार्क ने ही 2.17 टेराबाइट प्रति घंटे का उत्पादन किया था। डेनमार्क की बढ़ी हुई उत्पादकता के पीछे हाल ही में स्थापित एक पवन फार्म क्रेगर्स फ्लैक है। सितंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। 604 मेगावाट का यह फार्म बाल्टिक सागर में स्थित है। स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा होने के नाते यह फार्म लगभग 6 लाख घरों की वार्षिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकता है। एक विकलांग युवक ने अपने जैसे लोगों की यात्रा आसान करने के लिए एक ई स्कूटर बनाई, लेते हैं ज्यादा जानकारी। सन 2010 में एक दुर्घटना के बाद चेन्नई में जन्मे नाइड्रोवेन, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पीड़ित है, उनके पास जीवन भर व्हीलचेयर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। MBA के इस छात्र ने एक बड़े वैश्विक निगम में काम करने का सपना देखा था, लेकिन विकलांगता के कारण उन्हें ये मौका नहीं मिला।
नेत्र वन हार मानने को तैयार नहीं थे। सन 2016 में 25 साल की उम्र में उन्होंने विकलांगों के लिए विशेष स्कूटर डिजाइन करना और बेचना शुरू किया। उनकी कंपनी हरित तकनीक पर चलने वाले ई वाहन बनाती है। उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार ई स्कूटर की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसी के साथ आज के मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।